अपनी जो आंख है ये एक कैमरा है जैसे फोटोग्राफी करती है कि अपने जो कैमरा होता है जो पुराने कैमरे है जिनको मालूम है वो उन्हें याद होगा कि उसमें एक लेंस होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं और ये आईबॉल एक कैमरे के जैसा है और अंदर रेटिना है पर्दा जिसके ऊपर ये इमेज ये कॉर्निया फिर अंदर की लेंस इसमें से फोकस होकर रेटिना में गिरती है फिर ऑप्टिक नर्व के द्वारा वो ब्रेन को जाती है। इसमें कोई दोष निर्माण हो जाए ये सब सिस्टम में ये कैमरे में तो अब देखो चश्मा लगता है या चश्मा लगाकर वो चीज़ देखना पड़ता है। आरोग्य जागृति दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं चश्मे के ऊपर जो चश्मा लगता है चश्मा क्यों लगता है इसी के ऊपर हम जानकारी देंगे क्योंकि चश्मे की वजह से बहुत से बेटियां की शादी रुक जाती है बहुत से सर्विस के लिए प्रॉब्लम आते हैं इसी के ऊपर हम बात करेंगे चश्मा क्यों लगता है चश्मा नहीं लगना चाहिए इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और चश्मा लग भी गया तो उसका ऑपरेशन करके कैसा हम निरासन कर सकते हैं इसी के ऊपर हम डॉक्टर प्रकाश कांगरा जी से बात करेंगे जो काफ़ी अनुभवी है और अभी तक उन्होंने लाखों लोगों को अपनी चश्मे निकाल कर उनको दृष्टि दी है। चलिए डॉक्टर साहब आज सबसे बड़ा महत्व का विषय चल रहा है चश्मा चश्मे की वजह से काफ़ी लोगों में तकलीफें दिक्कतें आ रही है बहुत से बेटिया की शादी रुक जाती है बहुत से जॉब के लिए प्रॉब्लम आते हैं इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे चश्मा क्यों लगता है सर चश्मा लगने का कारण क्या होता है। हाँ अभी देखिए शायद मेरे उम्र के जो लोग हैं उन्हें शायद याद होगा कि स्कूल में उनके पूरे स्कूल में एक दो चार लोगों को पांच छह लोगों को चश्मा लगता था अभी हर क्लास में 15-20 लोगों को चश्मा है और ये बड़ी समस्या आ गई है कि बहुत तेज़ी से कम उम्र में चश्मा लगना शुरू हो गया है। अभी चश्मा क्यों लगता है ऐसा है कि यूजुअली हमने ये देखा है कि चश्मे का जो नेत्र दोष जो है ये अपनी आँखों के ऊपर पड़ने वाले अतिरिक्त ताण के कारण जल्दी समय में लग जाता है। ऐसे 40 के बाद हर इंसान को पढ़ने के लिए चश्मा लगता है ये नेचुरल है नैसर्गिक है मगर कम उम्र में जो चश्मा लगता है अभी आपने देखा होगा कि अभी ऑनलाइन सब स्कूल चालू हो गए हैं मोबाइल के ऊपर पिछले 2 सालों से बच्चे उसके ऊपर ही पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे समय किताब और पाटी पेंसिल वगैरह थी कि बड़े अक्षर रहते थे पढ़ते वक्त अपनी उम्र के 6 साल तक अपनी आँखों की डेवलपमेंट जो होती है उसमें दृष्टि का विकास होता है और 6 साल के उम्र तक यदि अतिरिक्त ताण अपनी आँखों के ऊपर गिर गया तो उसका दृष्टि दोष में परिवर्तन होता है। अभी एक छोटा किस्सा मैं बोलता हूँ हम एक शॉपिंग को गए थे फिनिक्स मॉल में पुणे में एक 8-9 महीने का बच्चा जो बाबा गाड़ी में है उसकी माँ शॉपिंग को अंदर गई थी उसने एक मोबाइल के ऊपर वीडियो का कुछ शो लगा दिया और वो बच्चे को उसके सामने बाबा गाड़ी में रख दिया और वो निकल गई। ये क्यों लगाया क्योंकि बच्चा रोए नहीं। काफ़ी माताएं बच्चों को खाना खाते हो क्या खिला रहे वो समझ में नहीं आना चाहिए तो उसको कुछ वीडियो में कुछ मोबाइल के ऊपर दिखाते और खाना खिलाते हैं। ये जो चीज़ें हैं आज हमें इसे आसान लगती है मगर यही चीज़ें आपको आगे बड़ी दिक्कत खड़ी करती है। अभी मैं आपको आँखों की रचना के बारे में 1-2 मिनट में समझाता हूँ कि चश्मा क्यों लगता है। अपनी जो आँख है ये एक कैमरा है जैसे फोटोग्राफी करती है कि अपने जो कैमरा होता है जो पुराने कैमरे है जिनको मालूम है वो उन्हें याद होगा कि उसमें एक लेंस होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं और ये आईबॉल एक कैमरे के जैसा है और अंदर रेटिना है पर्दा जिसके ऊपर ये इमेज ये कॉर्निया फिर अंदर की लेंस इसमें से फोकस होकर रेटिना पे गिरती है फिर ऑप्टिक नर्व के द्वारा वो ब्रेन को जाती है। इसमें कोई दोष निर्माण हो जाए ये सब सिस्टम में ये कैमरे में तो अपने को चश्मा लगता है या चश्मा लगाकर वो चीज़ देखना पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि कम उम्र में जो चश्मे लगते हैं यूजुअली ये उम्र की 18-20 साल तक नंबर बढ़ते जाता है और एक 18-20 साल के होने के बाद जैसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी आती है हाइट रुक जाती है तो चश्मे के नंबर भी काफ़ी लोगों के रुक जाते हैं। ह्रस्व दृष्टि दोष इसमें जो बोलते हैं चश्मे में जिसमें आँखों की लंबाई ज़्यादा हो जाती है और माइनस नंबर लगता है उसे ह्रस्व दृष्टि दोष बोलते हैं। आँखों की लंबाई थोड़ी कम हो जाए ये यानी कैमरे के सिस्टम का
और इसकी गोलाई बढ़ जाए तो इसको प्लस नंबर लगता है, तो ऐसे लोगों को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, यानी ह्रस्व दृष्टि दोष मायोपिया और प्लस नंबर यानी हाइपरमेट्रोपिया। 40 के बाद प्लस नंबर पढ़ने के लिए लगते हैं, मगर कम उम्र में जो नंबर लगते हैं माइनस नंबर लगते हैं, और माइनस नंबर उम्र के 18-20 साल तक बढ़ते हैं। ये ऐसी यानी क्या बोलते समझ है बोलो, या ये प्रोटोकॉल है। ये कैमरे में जो भी दोष है, ये कॉर्निया की गोलाई में है, आंखों की लंबाई में है, ये ऑप्टिकल सिस्टम में कोई दोष निर्माण होता है तो उसे हम चश्मा लगाकर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। यही चश्मा जो है जब उतारने की जो प्रक्रिया है उसमें भी हम क्या करते हैं, ये गोलाई को चेंज करते हैं, चाहे लेज़र से हो या और कोई शस्त्रक्रिया द्वारा कॉर्निया का, इसको कॉर्नियल सर्जरी बोलते हैं। काफ़ी बार बहुत बड़ा नंबर हो तो ये आँख के अंदर ही एक लेंस फिट कर देते हैं। ICL वगैरह जो प्रोसीजर्स होती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसमें यानी जो माइनस बड़े नंबर होते हैं या प्लस नंबर होते हैं उसकी समस्या दूर कर सकते हैं, मगर चश्मे की समस्या कम उम्र में लगने के लिए आपका आहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके आहार में हरी सब्जी, दूध, गाजर, पपीता या स्प्राउट ये नहीं रखते हो तो अपनी आँखों में कमज़ोरी जल्दी आ जाती है और चश्मे जल्दी लग जाते हैं। तो दोस्तों ये ख्याल में रहे, आपकी दृष्टि सलामत है तो ये दुनिया सलामत है, और ये चश्मे की समस्या जो है इतनी गंभीर होती जा रही है, तो काफ़ी जैसा साहब ने कहा कि काफ़ी लोगों को करियर में, जिसको फौज में जाना है, नेवी ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करना है, जिसको पायलट होना है, और रेलवे सर्विसेज है, काफ़ी गवर्नमेंट सर्विसेज है, MPSC है, UPSC है, पर्सनैलिटी ओरिएंटेड जॉब्स है, जिसको फिल्म में या नाटक वगैरह में, जहाँ मार्केटिंग में भी समझो करियर बनाना है तो मोटा चश्मा हो तो लोग उसे भद्दा समझते हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि शादी की लड़कियाँ जिन्हें चश्मा है उन्हें नकारा जाता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समस्या से दूर होने के लिए आप आपकी आँखों की हिफाजत कीजिए। धन्यवाद। भाई और बहनों, बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि रात को सोते वक्त सिराने पे चश्मा रख के ही सोना पड़ता है, क्योंकि उठते ही दुनिया नहीं दिखती है, आंखें खोलने के बाद चश्मा उठा के लगाना पड़ता है, फिर भगवान को देख सकते हैं या दुनिया देख सकते हैं। ये समस्या दूर करने के लिए पिछले 30-40 सालों से रिफ्रैक्टिव सर्जरी नाम का एक साइंस डेवलप हुआ है कि जिसमें चश्मे का नंबर हम कम कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और ये साइंस जो है, ये डॉक्टर फेदरो जो रशिया के हैं, जहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिला, वहाँ रेडियल केराटोमी नाम का एक छोटा सा ऑपरेशन करते थे, जिसमें ये दीदे का कर्वेचर जो है ये थोड़ा भी चेंज करते हैं तो चश्मे का नंबर चेंज हो जाता है। ये उन्होंने ढूंढ के निकाला और एक डायमंड नाइफ द्वारे इसको छोटे छोटे ऑपरेशन करके इसका कर्वेचर चेंज करते थे। और 1994-95 से हम लैसिक सर्जरी कर रहे हैं या लेज़र सर्जरी कर रहे हैं, तो 1990 में डॉक्टर आयनिस पेरिगेरी जो ग्रीस के हैं, उन्होंने लैसिक एक लेज़र का ऑपरेशन ढूंढ के निकाला, जिसमें लेज़र द्वारा आप ये कॉर्निया का कर्वेचर चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि चश्मे का नंबर उतारने की शस्त्रक्रिया इतनी सेफ होते जा रही है कि ऐसा कोई उसमें अपघात नहीं होते, कोई इंसिडेंस नहीं होते कि जिसके कारण आपके आँखों को हानि हो जाए। अभी तो चश्मे का नंबर पूरा मैथमेटिकल जीरो करने की भी नई कॉन्टूरा टेक्नोलॉजी और काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें नंबर मैथमेटिकल जीरो होता है। और कुछ टेक्नोलॉजी तो ऐसी भी आ रही है कॉन्टूरा में कि जिसमें सुपर स्पेशलिटी, उसमें बोल सकते हैं कि आपका सुपर विजन हो जाता है, यानी चश्मे से जो दिखता है 100%, तो काफ़ी लोगों को 120% 130% विजन आ जाता है। ये सभी सर्जरी अभी आजकल जो पिछले 20-22 सालों में जो डेवलप हुई है, ये लेज़र के आधारे की जाती है। किरण जो जिसको कुछ माइक्रोन में वो लेज़र बीम ये कॉर्निया पे फोकस किया जाता है और ये कॉर्निया का कर्वेचर चेंज करते हैं। इतनी आसान अभी ऑपरेशन है कि इसको कोई भूल या चिरफाड़ या टाका या पट्टी ऐसा कुछ नहीं, दोनों आँखों का एक साथ हो जाता है, दोनों आँखों का ऑपरेशन 5 मिनट में हो जाता है, और आप पट्टी वगैरह नहीं रहने कारण तुरंत देख सकते हो,
दो तीन घंटे में आपने घर पे भी जा सकते हो और चौथे दिन या तीसरे दिन आप अपने काम को भी लग सकते हो। इतने आसान अभी ये ऑपरेशन हुए हैं और युवाओं को विशेषकर जिन्हें करियर की ज़रूरत है, ये काफ़ी समस्या लड़कियों की जो है शादी की, उन्हें ये एक बूंद बोलते हैं कि एक आशीर्वाद है परमेश्वर का कि इतनी आसान तरीके से उनका ये चश्मे का नंबर या ये जो दृष्टि समस्या है ये पूरी निकाली जाती है। अपने साई सूर्य नेत्रालय में एडवांस सुविधा क्या है और ये कैसा दिया जाती है? ओके, साई सूर्य नेत्र सेवा 1985 से यानी तकरीबन आज 35 साल के ज़्यादा हो गया। चश्मे के नंबर उतारने के ऑपरेशन जैसा मैं रशिया में डॉक्टर फेदरोव जी के पास में मैं पढ़ाई करके आया तो उस समय भारत में हम दो तीन ही लोग थे, इंदौर में डॉक्टर हरदिया थे और हम थे, कि जो ये चश्मे के नंबर माइनस नंबर ऑपरेशन करके कम करते थे। रिफ्रैक्टिव सर्जरी का उस समय भारत में जन्म हुआ और निरंतर ये जो है साइंस ये डेवलप होते गया। आज साई सूर्य नेत्र सेवा में एक छत के नीचे ऐसी 16 प्रकार की शस्त्रक्रिया उपलब्ध है चश्मे के नंबर उतारने के, एक नहीं, जिसमें आप -0.5 से लेके -32 तक नंबर उतार सकते हैं। देखिए, यानी -0.5 तो जाता ही है मगर -32 नंबर जिनका है उन्हें भी हम राहत दे सकते हैं। अभी +18 नंबर तक भी ये ऑपरेशन अभी अलग अलग पद्धतियाँ हैं उसमें कर की जाती है और इतनी गंभीर जो समस्या है चश्मे की इसे दूर किया जाता है। साई सूर्य नेत्र सेवा में काफ़ी चीज़ें 94-95 में एशियन कंट्रीज़ में फर्स्ट टाइम सॉलिड स्टेट लेजर पे हमने लैसिक किया था। तो काफ़ी बार साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर ये भारत में ही नहीं तो काफ़ी बार दुनिया में वो तेज़ी से चलता है कि काफ़ी टेक्नोलॉजी हमने भारत में पहले बार अहमदनगर जैसे छोटे गांव में रही और आज आप देख रहे हो पूरे भारत से और बाहर से भी लोग ये आँखों के उपचार के लिए विशेषकर आज अहमदनगर जैसे छोटे गांव में साई सूर्य नेत्र सेवा में आते हैं, अपना इलाज करवा के जाते हैं। आरोग्य जागृति।